যদি পৰৱৰ্তী চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হয় কোন হ'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই সন্দৰ্ভত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ শেহতীয়া মন্তব্য কি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত মুখ খুলিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই প্ৰত্যক্ষ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পৰোক্ষভাৱে দি অমিত শ্বাহে ক'লে সংসদীয় সমিতি আৰু ৰাইজে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচন কৰি পঠিওৱা প্ৰতিনিধি অৰ্থাৎ বিধায়িনী দলে সিদ্ধান্ত ল'ব কোন হ'ব অসমৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী। इस दौर में आसाम की बात पूछूंगी कि आसाम में 5 साल की सरकार रही बीजेपी की, सर्बानंद सोनोवाल आपके चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन इस बार जब आप इलेक्शन में गए तो आपने उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया। प्रोजेक्ट क्या करना, वो मुख्यमंत्री ही है आसाम के। नहीं, पर नेक्स्ट इलेक्शन में वो नेक्स्ट अगर आप जीत गए तो वो होंगे या नहीं? वो तो हर बार पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल तय करता है। ऐसा तो नहीं है मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी? ऐसा है नाविका जी कि ये हर बार पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर, शिवराज जी के नाम को भी फिर से पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही तय किया है, हर बार तय करते हैं। लेकिन उनको प्रोजेक्ट किया गया था कि ऐसे एज अ चीफ मिनिस्टर। नहीं तो वो भी एज अ चीफ मिनिस्टर ही चुनाव लड़े हैं। तो हेमंत बिश्व शर्मा? तो हेमंत बिश्व शर्मा भी चुनाव लड़े हैं, ये भी हमारे प्रमुख नेता है। और आसाम में सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा की संयुक्त नेतृत्व ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। आसाम के अंदर 2000 आतंकवादियों ने हथियार डाले हैं। आसाम में 5 साल में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई। आसाम के अंदर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। जो आसाम आंदोलन और आतंकवाद से पीड़ित था वो आसाम आंदोलन और आतंकवाद से मुक्त हुआ है, विकास के रास्ते पर आसाम चल पड़ा है। और आप मैंडेट देखना, मैंडेट देख लेना, पूर्ण बहुमत के साथ फिर से हमारी सरकार बननी चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पहले जिस तरह की फीलिंग थी वो शायद दूसरे फेज के बाद कुछ कम हुई और इस वक्त द इलेक्शन रिजल्ट विल बी क्लोजर देन यू एक्सपेक्टेड, ये भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं। मैं नहीं जानता किस कार्यकर्ता को आप मिली है, परंतु मैं इतना निश्चित रूप से, इलेक्शन तो क्लोज हो चुका है, बताना चाहता हूं, अब कोई वहां से वोटों का तो फायदा है नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा? मुख्यमंत्री बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। 5 साल अगर सर्बानंद को दिए गए हैं तो आप समझते हैं कि हेमंत जी ने बहुत काम किया है नॉर्थ ईस्ट में? मैंने ऐसा कहा कि सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, और इसमें हेमंत बिश्व शर्मा का और सर्बानंद जी का दोनों का बड़ा योगदान है। मैं सिर्फ पूछ रही हूं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, सबकी क्यूरियोसिटी है कि इस बार आपने पहले नहीं बताया, अगर हेमंत जी ने काम अच्छा किया है तो उनको रिवॉर्ड करने का? देखिए नाविका जी, आप घुमा फिरा कर कुछ भी पूछो आपको टाइटल नहीं मिलेगा।